साल 2008 कैंटास एयरवेज की एक फ्लाइट सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रही थी कि बीच रास्ते में ही अचानक फ्लाइट के सभी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बंद पड़ गए और हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगा। और क्योंकि फ्लाइट मिड एयर में थी तो इस समय ज्यादातर पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, जिसके कारण 100 से ज्यादा लोगों को सीरियस इंजरीज हुई थी। अब पायलट ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक प्लेन में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स को हुआ क्या। लेकिन 10 मिनट तक की फ्री फॉल करने के बाद अचानक से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स ने काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पायलट्स ने जल्दी से प्लेन को अपने कंट्रोल में लिया और ये फ्लाइट क्रैश होने से बच गई। अब जब इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन की गई तब ये सामने आया कि इस इंसिडेंट के पीछे कोई ह्यूमन एरर नहीं था, बल्कि हमारे स्टार सूरज की ही मिस्टेक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कैसे किसी प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स के खराब होने का सूरज से आखिर क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के इस अजीब बिहेवियर के पीछे अर्थ से उस दौरान टकराने वाले ऐसे एलियन पार्टिकल थे जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से अर्थ तक पहुंचे थे और जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉस्मिक रेज कहा जाता है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कॉस्मिक रेज को सोलर सिस्टम में एंटर करने से रोकने और अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम हमारे सूरज का ही है, जो हर सेकेंड अपने अंदर से निकलने वाले हाई चार्ज्ड पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड से सोलर सिस्टम के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं, जिसके बारे में हमें सबसे पहले साल 1950 में पता चला, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से मिली, जो नासा के मुताबिक ऑफिशियली हीलियोस्फीयर को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। अब इन्हीं दोनों स्पेसक्राफ्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर मौजूद इस कॉस्मिक बबल के बारे में वैज्ञानिक को काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी दी है और जिसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड को। दोस्तों ये है प्लैनेट मार्स, जिस पर किसी भी तरह का कोई जीवन मौजूद नहीं है, और इसके लेफ्ट साइड में है हमारी अर्थ, जिस पर 8 अरब से ज्यादा तो ह्यूमंस ही मौजूद है और इसके अलावा भी हजारों तरह के जीव जंतु मौजूद है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मार्स में ऐसा क्या डिफरेंस है जो इसे अर्थ से इतना अलग बनाता है? तो यार देखो, अंतरिक्ष टीवी के व्यूअर्स ने तो अब तक इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा, जो है कि अर्थ के पास मौजूद एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये काफी हद तक सही भी है, लेकिन आपको बता दूं कि अर्थ पर लाइफ का कारण केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बल्कि इसे एक और प्रोटेक्शन सूरज से भी मिलती है, जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अराउंड ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर कॉस्मिक रेज सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद कॉस्मिक रेज की तुलना में 70% तक कम रहता है। और अगर सोलर सिस्टम के चारों ओर हीलियोस्फीयर शील्ड ना होती तो मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी अर्थ पर लाइफ का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसे समझने के लिए चलो समझते हैं कि कॉस्मिक रेज आखिर होता क्या है और किस तरह लाइफ को ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखो दोस्तों, कॉस्मिक रेज ऐसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स होते हैं, जो डीप यूनिवर्स में सुपरनोवा जैसे पावरफुल एक्सप्लोजन से जनरेट होते हैं। अब इस तरह का रेडिएशन अगर इंसानों के ऊपर पड़ता है तो ये हमारे सेल्स यानी कि हमारी कोशिकाओं को डैमेज कर सकता है और उन्हें म्यूटेट भी कर सकता है, जिसे हम कैंसर डिजीज भी कह सकते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। और अगर इस तरह का रेडिएशन लगातार अर्थ पर पड़ता रहा तो ये कुछ ही सालों में पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन और अर्थ पर मौजूद इस तरह के जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा कॉस्मिक रेडिएशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज करने की ताकत रखता है, और जिसका एक एग्जांपल तो हमने वीडियो के शुरुआत में ही जाना था। अब कुछ इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के डैमेज होने की एक सीरियस प्रॉब्लम हमें साल 2003 में भी एक लोकल इलेक्शन के दौरान देखने को मिली, जब बेल्जियम में एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के पास 4000 से ज्यादा एक्स्ट्रा वोट आ गए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कॉस्मिक रेज के कारण हुए मैलफंक्शन से ऐड हुआ था। और अधिकारियों को इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने देखा कि ये जो एक्स्ट्रा वोट है उनकी आइडेंटिटी के लोग तो बेल्जियम में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। अब ये वैसे तो काफी फनी इंसिडेंट था, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये एक काफी सीरियस मैटर है,
खासकर हम इंडियंस के लिए भी, क्योंकि इंडिया में भी हमारे ज्यादातर इलेक्शंस इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम से कराया जाता है। तो ऐसे में अगर हीलियोस्फीयर सोलर सिस्टम में कॉस्मिक रेस को एंटर करने से ना रोके तो इससे अर्थ पर मौजूद हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ही समय में खराब हो जाएगा। और अगर अचानक हीलियोस्फीयर पूरी तरह से गायब हो जाए तो उस सिचुएशन को इमेजिन करना भी डरावना लगता है। अब दोस्तों जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी अर्थ जिस पर अचानक हवा में उड़ रहे सभी एरोप्लेन्स नीचे धरती पर आकर गिरने लगे, आपके हाथों में मौजूद स्मार्टफोन की बैटरी में आग लग जाए, अर्थ पर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक से खराब हो जाए और इंटरनेट पर मौजूद सारा डेटा भी डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, क्योंकि बिना हीलियोस्फीयर के कॉस्मिक रेस से अर्थ की हालत कुछ ऐसी ही होगी। अब इतना ही नहीं बल्कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगातार कॉस्मिक रेज के टकराने से हमारा एटमॉस्फेयर भी एक समय के बाद डैमेज हो जाएगा और आप अपने घरों में हमेशा के लिए छुपकर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सूरज हमारे लिए केवल एनर्जी देने का ही काम नहीं करता बल्कि हमें सुरक्षा भी देता है। लेकिन क्या हम इस सूरज से आने वाली पूरी एनर्जी को कंट्रोल करके एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बन सकते हैं? आखिर हमारा भविष्य कैसा होगा? वेल देखो, हम अपने भविष्य को एक फुली एडवांस और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर के रूप में देखते हैं और इसी कारण तो हमें स्टार ट्रैक जैसे साइंस फिक्शन शोज बहुत ही पसंद आते हैं। अब सर स्टीफन हॉकिंग को भी ये शो बहुत ज्यादा पसंद था, इतना ज्यादा कि उन्होंने खुद भी इस शो में हिस्सा लिया था और सर आइजैक न्यूटन आइंस्टाइन और डेटा के साथ मिलकर पोकर खेला था। इस मैच को जीता तो था सर स्टीफन हॉकिंग ने ही, लेकिन फिर रेड अलर्ट आने के कारण वे अपनी जीत को ले नहीं पाए थे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने यहां कुछ बेहद ही डीप जरूर बताया था। दरअसल देखो, अगर आज हम ह्यूमंस बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें तो ये काफी धीमा हो गया है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन एक्सपोनेंशियली हो रही है और वो दिन दूर नहीं जब आने वाले दिनों में हमें 1,00,000 रुपए में एक ह्यूमन ब्रेन जितना पावरफुल कंप्यूटर मिलने लगेगा। लेकिन क्या तब तक हमारी खुद की ब्रेन पावर उस लेवल तक बढ़ पाएगी? सोचने वाली बात है ना। इसका जवाब इन डेप्थ में जानने के लिए आप कुकू एफएम मौजूद इस ऑडियो बुक डिकोडिंग यूनिवर्स को जरूर सुनना। मैं पिछले 1.5 से 2 साल से इसे यूज कर रहा हूँ और इस पर मौजूद रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, फ्री टू फोकस जैसी कई ऑडियो बुक्स को सुन भी चुका हूँ। एंड लिटरली गाइज, इस प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया और मुझे नॉलेजेबल और प्रोडक्टिव बनाया है। और मेरी ही तरह 1,50,000+ हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स कुकू एफएम के 4,200+ आवर्स के कंटेंट को यूज कर रहे हैं। 2023 में अभी तक 45,00,000 आवर्स का कंटेंट अभी तक प्ले हो चुका है, मतलब 1,50,000 आवर्स डेली। सिर्फ 99 रुपए मंथली के सब्सक्रिप्शन पर आपको भी मिलती है हजारों बुक्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट की लाइब्रेरी अपने फोन पर। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हो एंड मेरे प्रोमो कोड ATV50 को यूज करते हो तो आपको एडिशनल 50% का ऑफ मिलेगा, यानी कि पहले महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 49 रुपीज में। तो सोच क्या रहे हो, अभी कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दोस्तों वापस लौटते हैं वीडियो पर। मतलब आसान शब्दों में हीलियोस्फीयर अर्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर आखिर सवाल ये आता है कि सूरज इस शील्ड को क्रिएट करता कैसे? द फॉर्मेशन ऑफ द हीलियोस्फीयर। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज लगातार बिलियंस ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बाहर की ओर फेंकता रहता है, जिसे हम सोलर स्टॉर्म या सोलर विंड कहते हैं, जो सोलर सिस्टम में सूरज के चारों ओर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक जाती है। पर सभी 8 प्लैनेट्स के साथ कुइपर बेल्ट तक के रीजन को ये एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में कवर करके एक बबल बनाता है, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। अब इसमें सूरज का मैग्नेटिक फील्ड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। सोलर सिस्टम में कुछ जगहों पर ये कॉस्मिक बबल बड़ा या छोटा हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और क्योंकि हमारा सूरज लगातार मिल्की वे के अराउंड भी एक ऑर्बिट में 8,28,000 किलोमीटर पर आवर पर मूव कर रहा है, इसीलिए हीलियोस्फीयर बबल के सामने की ओर सूरज की मूविंग डायरेक्शन पर हीलियोस्फीयर से लगातार इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन हाई स्पीड से टकराता रहता है, जिससे सोलर सिस्टम के इस बाउंड्री पर काफी हॉट प्लाज्मा रीजन फॉर्म होता है, जिसे वैज्ञानिकों ने हीलियोपॉज नाम दिया है। अब सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस को अलग अलग करने वाली ये सबसे मेन बाउंड्री होती है, जिसे वॉल ऑफ प्लाज्मा भी कहा जाता है। साल 2012 में वॉयजर 1 पहला ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट बना, जिसने इसे क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया था, जिसके कुछ सालों बाद साल 2018 में वॉयजर 2 ने भी इसे क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया था।
जहां इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट के डेटा की मदद से वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे ही ये हीलियोपॉज के पास पहुंचा, सडनली इसके आसपास की स्पेस की डेंसिटी चेंज हो गई और टेम्परेचर स्केल पर इसकी टेम्परेचर बढ़कर 30,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा भी वॉयेजर 2 में लगे मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स ने यहाँ पर काफी ज्यादा हाई डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड किया, जिसका ग्राफ अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे वॉयेजर 2 के इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करते ही मैग्नेटिक फील्ड में कितना ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे देखो, मुझे कई बार ये काफी फैसिनेटिंग भी लगता है कि जो यंग साइंटिस्ट वॉयेजर्स प्रोब्स के वैल्यूबल डेटा को कलेक्ट करके इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर तो इन स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के बाद ही पैदा हुए होंगे, यानी ये स्पेसक्राफ्ट उनकी उम्र से भी ज्यादा पुराना है। वैसे आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पहले वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया था और उसके बाद ऑलमोस्ट 6 साल बाद 2018 में वॉयेजर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया। और देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच का ये 6 साल का डिफरेंस है, ये इसके 46 साल पुराने स्पेसक्राफ्ट का कोई बुढ़ापा नहीं है, बल्कि इन दोनों को तो सेम ही ईयर में साल 1977 में ही लॉन्च किया गया था। तो आखिर इन दोनों के बीच इस ह्यूज 6 साल के डिफरेंस के क्या कारण है? तो देखो दोस्तों, इसके पीछे मेन दो रीजंस है। सबसे पहला तो सिंपल है कि वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 से ज्यादा फास्ट है। अब जहां वॉयेजर 1 स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, वहीं वॉयेजर 2 अप्रॉक्सीमेटली 56,327 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है कि इन दोनों प्रोब ने अलग अलग डायरेक्शन से सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस किया है और एक रिसर्च के मुताबिक हीलियोस्फीयर की रेडियस सोलर सिस्टम में हर डायरेक्शन में डिफरेंट होती है और जो कि समय के साथ साथ अपने आप कम या फिर ज्यादा होती रहती है। मतलब देखो, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वॉयेजर 1 ने जिस समय और जिस जगह से हीलियोस्फीयर को क्रॉस किया था वहां का डायमीटर कम था और इसी कारण से उसने जल्दी इसे क्रॉस कर लिया। पर आखिर हीलियोस्फीयर बबल के डायमीटर में ये चेंजेस होते ही क्यों हैं? तो देखो, वैज्ञानिकों की माने तो हीलियोस्फीयर बबल के डायमीटर में ये चेंजेस के पीछे सोलर साइकिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे आप एक तरह से सूरज का मौसम मान सकते हैं, जिसमें हर 11 साल के पीरियड में सूरज कम या ज्यादा होती रहती है, जिसके साथ सोलर विंड और सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में भी टाइम टू टाइम कई चेंजेस आते रहते हैं। और क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये समझा कि हीलियोस्फीयर सोलर विंड और सूरज के मैग्नेटिक फील्ड से ही फॉर्म होता है, इसीलिए इनमें होने वाले चेंजेस से इसके डायमीटर में भी चेंज होता है। अब अगर आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो यह कुछ ऐसा ही है जैसे सूरज अपने आप में सांस ले रहा हो, जिसमें कभी उसकी मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जो हीलियोस्फीयर को और दूरियों तक एक्सपैंड कर देता है, तो कभी उनकी लो एनर्जी के कारण ये हीलियोस्फीयर बबल श्रिंक हो जाता है। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन ये अपने प्रेजेंस से हर सेकेंड अर्थ के बिलियंस ऑफ ह्यूमंस एंड लाइफ को प्रोटेक्ट करता रहता है, जिसके बिना एक झटके में कॉस्मिक रेज नाम का ये एलियन रेडिएशन पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा। नाउ आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो और हम सब इसी तरह सीखते और ग्रो करते रहे। तो अगर आपका भी कोई सवाल या सुझाव है इस टॉपिक पर तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। दोस्तों, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, यूज करना है मेरा प्रोमो कोड ATV50 और 50% फ्लैश डिस्काउंट, यानी कि पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपए नहीं बल्कि केवल 49 रुपीज में मिलेगा। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।